मेरे दादा परदादा जादू टोना करते आए थे, पर मेरे दादा ने आखिरी समय में यीशु मसीह को अपना लिया और पवित्र आत्मा को पाया। तब से अब तक मेरा परिवार यीशु मसीह को मानता आया है, पर मेरे दादा व पिता बताते थे कि हमारे बुजुर्गों को दुष्टात्मा की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। मैंने ये सिर्फ सुना था, पर जब मैं 7-8 साल का था तब मुझे दुष्ट आत्मा की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी और महसूस होती थी। मुझे याद है उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि मैं बेड पर लेटा हुआ था, तभी मैंने देखा कि फर्श खुल गया। उसमें कुएं जितना गड्ढा था, उसके बाहर दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थी। वे आत्माएं थीं जो बचाई नहीं गई थी, उन्हें उस गड्ढे में डाला जा रहा था। मैंने उस नज़ारे को देखकर मैंने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया, पर मैं उस की गर्मी महसूस कर सकता था। और उसके बाद दिन महीने बीतते गए। मेरी माँ अक्सर हम 3 भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती थी। मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन के लिए प्रार्थना की थी कि वो बड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करे। आज वो अपने पति के साथ, जो चर्च में पास्टर है, उसके साथ आराधना करती है। मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई के लिए प्रार्थना की थी कि वो किसी से ना डरे। आज वो ऐसा ही है। और मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना की थी कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनूँ और उसके साथ चलूँ। आज मैं ऐसा ही हूँ, पर बचपन में मैं ऐसा नहीं था। जब मैं 11 साल का था तो मैं एक होटल के कमरे में था और मेरे परिवार के लोग मीटिंग अटेंड करने गए थे और मैं कमरे में अकेला था। मेरे मन में आ रहा था कि मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के गुस्से को नहीं देख सकता। मेरे अंदर बहुत डर व चिंता पैदा हो चुकी थी। तभी मेरे पिता कमरे में आए। मैंने कहा मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है। तब मेरे पिता ने कुछ देर के लिए बाकी लोगों को कमरे से बाहर रहने के लिए कहा। मैंने और मेरे पिता ने हाथ पकड़ कर प्रार्थना की। तभी मैंने यीशु मसीह की उपस्थिति को आते महसूस किया। तभी सब डर और चिंता, शर्म और मेरी ज़िंदगी से जा चुकी थी और तब मैंने बचपन लिया। तब कुछ दिनों बाद परमेश्वर ने दिखाया कि मैं कैसे परमेश्वर का दास होकर सेवा करूँगा। मैंने सपने में अपना फ्यूचर देख लिया था। मैंने एक दिन बाइबल खोली और उसमें लिखा था जिसके पास बुद्धि ना हो वो मांगे। तभी मैंने परमेश्वर से मांगा मानो सब चीज़ें मुझ में डाउनलोड हो चुकी हों, मेरे अंदर आ चुकी हों। उन्हें मैं आज तक महसूस करता हूँ। 13 साल की उम्र में मैंने चर्च में आगे खड़े होकर प्रचार करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति है ही नहीं। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अंदर फर्श पर लेटे पड़े होकर मैंने कहा कि मैं यहाँ कमरे से तब तक बाहर नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपको महसूस न कर लूँ। मैं वहाँ प्रार्थना करता रहा। मैंने कमरे का कारपेट आंसुओं से भिगा दिया। तभी मैंने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की और मैं खड़े होकर धन्यवाद करने लगा। मुझे कमरे में 4 घंटे हो चुके थे। उस दिन के बाद सब बदल गया। एक दिन मैं चर्च में गया और चर्च के पास्टर गैर भाषा के लिए प्रचार कर रहा था और वो हाथ रखने के लिए लोगों में आया। मैं भी चाहता था कि पास्टर मुझ पर भी हाथ रखे। मैं एक आदमी के पीछे खड़ा था जिसने प्रार्थना के लिए हाथ उठाए हुए थे। उसकी कोहनी बार बार मेरे सिर को छूती। जब पास्टर ने उस व्यक्ति पर हाथ रखा तो उस व्यक्ति की कोहनी मुझको छुई और मैं आत्मा से भर गया और चिल्लाने लगा। सभी लोग मुझे देखने लगे। जब मैं स्कूल में जाता था तो बच्चे मेरे पास यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। उनमें से मेरे क्लास के बच्चे भी थे। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता था। मैंने वहाँ टूटी हड्डियों वाले लोगों को चंगा किया, सोरेसिस को ठीक किया
और बहुत सी स्किन की बीमारियों को भी ठीक किया। जो भी जिस चीज़ के लिए आता था मैं उसके लिए प्रार्थना करता था। एक बार क्लास में एक लड़का प्रार्थना करवाने के लिए आया। मैं उस पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा था, तभी साइड में एक लड़का ये कहने लगा कि ये कुछ नहीं है, बस सोच है, इससे कुछ नहीं होता। तभी मैंने अपना हाथ उस लड़के से हटाकर दूसरे लड़के पर रख दिया जो ये कह रहा था कि ये कुछ नहीं है, और वो उसी समय गिर पड़ा और आसपास के बच्चे हंसने लगे, क्योंकि जो गिरा था वो विश्वास नहीं करता था। वो लड़का ये कहते उठा कि मैं नहीं गिर सकता, ये मेरे साथ कैसे हुआ, ये नहीं हो सकता। आज वही लड़का हमारी चर्च का मेंबर है और हर रोज़ चर्च अटेंड करता है। आज मैं चर्च का एक पास्टर हूँ और हमारे चर्च में हीलिंग और चंगाइयाँ होती हैं।